मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मैं भी कुछ वैसा ही हूं। मैंने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप कर रहे हैं। I like that. धारावी ईस्ट में एक जगह है जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए हमारे पास आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके होने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार होने के नाते उन लोगों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होगी। आप मान गए तो हम दोनों के बीच कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें अरेंजमेंट की क्या बात है? उन लोगों को निकालना है तो उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। मुनाफा कट जाएगा हमारा। हम बिजनेसमैन हैं और हमें लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी? आप कुछ ऐसा ऑफर कीजिए जिससे हम दोनों का कुछ हो जाए। गोकुल के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। दर्द उन लोगों को वहां से निकालोगे तो दर्द हो गए और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब तुमसे हमने सुनी लिया है कि तेरा और तेरे पीछे जो लोग हैं उनका इरादा क्या है, मेरा जवाब भी सुनना। मैं ये नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप ही नहीं है जो हमारा ये काम कर सके। और मैं किसी और को करने में नहीं दूंगा। मैं देशपांडे ये पूछता है, ये चीफ मिनिस्टर काय नाम है बाबू? चीफ मिनिस्टर नायक से, गवर्नमेंट के बाबू लोगों से, और ये पुलिस के लोगों से जो सरकार का गुलामी करता है। सरकार है? अरे कैसा सरकार बाबा? मैं इस सरकार का सब जानता है। सामने गरीबों का मसीहा बनता है और पीठ पीछे धंधा चलाता है, हाथ में माला रखता है और माले के पीछे हेर फेर करता है। इस सरकार का एक ही मंत्र है, राम नाम जपना। अपने बालकनी से निकल के
अपने भाड़े के लोगों के सामने यो हाथ हिलाता है। अब भाड़े के टट्टू सरकार सरकार सरकार। अरे बाबा, इसको जो सही लगता है वही करता है, तो जो इसको सही लगता है वही करता है, तो हम सब क्या चुप? गाली आ रही है मुंह से, इसको हटाना बहुत जरूरी है। अरे ये डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र, यहां जनता का राज होना चाहिए। इसने जनता को गुलाम बना रखा है, ये चलने नहीं देंगे। इसने जिन जिन चोरों के पीठ पे अपना हाथ रखा है, पहले उस हाथ को काटना जरूरी है, फिर इसके छाती पे बैठ के इसका गला ले देंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं साहेब। मैं तुम्हारे बेटे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। सर, तुम लोग नहीं समझोगे किस तरह की पॉलिटिक्स खेल के इसने मेरा करियर खत्म कर दिया। हमें सिर्फ सरकार का किल्ला तोड़ना है, और उसे तोड़ने के लिए गांधी जैसे हथौड़ों का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप पता है वो राधिका मिल्स में आपका नाम आगे कर दिया है, वो यूनियन लीडर है ना, बहुत शाना है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, देख लेना। लड्डू का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत मीठे होते हैं, समझे नहीं? अगर तू और मैं दोनों समझ लिए तो फिर समझ का क्या मतलब? सरकार, उन्होंने 500 वर्करों को काम से निकाल दिया, वो सारे सड़क पर आ गए हैं। इन साले अमीरों को सबक सिखाना चाहिए। अमीरों का अमीर होना कोई पाप नहीं होता, और वो वर्कर्स उन मजदूरों को गुमराह किया गया, और मैं जानता हूं कि उन्हें गुमराह करने वाला कौन है। इस बात से यह सरासर साबित होता है कि आप उनके हाथ बीक चुके हो। निकल निकल। चीकू चीकू, जब तक पूरी बात को समझ ना लो किसी बाहर वाले को पता नहीं होना चाहिए ये तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूं। मेरा नाम शिवाजी है। मेरे सामने आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार, तुम्हारे घर के माहौल के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। क्यों? ऐसा लगता है वहां हर एक आदमी दूसरे पर शक करता है,
जैसे हमारी भी कोई जासूसी कर रहा है। अगर कभी कोई हमारे बीच आया तो मैं संभाल लूंगा। तो जो तुम गोकुल के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। बन सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो होता है। हमारे बारे में सरकार को गोकुल ने बताया। सरकार को ऐसा लगता है कि तुम अपने पापा का बदला लेने के लिए मेरे साथ हो। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं? डरते नहीं है, सावधानी। हमारे यहां से सावधानी कहते हैं। गोकुल हर चीज पे शक करता है, हो सकता है सरकार भी करते हो। हमारे घर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, सब दूध से जले हैं और छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। मुझे जाना होगा, बाद में मिलूंगा, बाय। नमस्कार। गांधी जी कहते थे राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया। साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो यहां क्या कर रहे हैं? गांधी जी क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। सरकार, विसर्जन की तैयारियां हो गई है। पंडित जी से बात किया, बोला दोपहर को निकलना है, लेकिन हमें लगता है इस बार आपको नहीं जाना चाहिए। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा होगी, डर है कि खतरा हो सकता है आपके लिए। गोकुल, डर के साथ जिया तो सरकार नहीं रहूंगा। जो होगा सो होगा, बाकी पापा पे छोड़ दो। लोगों के लिए, कुटुंब साथी, लोग परिवारों के लिए दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल। इसलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा, लेकिन जिस तरह की जिंदगी मैं जी रहा हूं उससे मेरे दुश्मन पड़ेंगे। शत्रु वारस राण। मला तुमचा बद्दल काही तक्रार नाही हो, पण मला वाटलं होता हा तशी बाजी आलेला आहे तर सगळं बरोबर होणार, सगळं ठीक होऊ जाणार। मला वाटतंय आपल्या घरावर कुणाची नजर लागली, दुसरा धक्का मी सहन नाही करू शकणार। कुछ नजर वजर नहीं लगी, कुछ नहीं खोया तुमने, कुछ नहीं। छह बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, छह बार अलग अलग समय पर अलग अलग जगह, और जितनी बार हमला हुआ मेरी जिम्मेदारी और बड़ी। मी मागे हटना नहीं, ना
डार्लिंग, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके सीने में दिल होता है। आई लाइक यू क्योंकि तुम्हारे पास दिल के अलावा सब कुछ है। मेरी एक पत्नी थी, उसके पास सिर्फ दिल था। जो भी मैं कहता था दिल से लगा लेती थी। कहती थी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मर गई। कैसे? उसके सीने में जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया। यह अलग बात है कि बंद मुझे करना पड़ा। मार्केट में खबर गर्म है, ये सरकार और शिवाजी के बीच में लफड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे इसके लिए तो गोपाल और रमन नहीं है, उन लोग का लोग भी टेंशन में है। मौका अच्छा हो सकता है हमको सरकार को मारने का। उससे पहले बस ये खाली एक खबर कंफर्म हो जाए कि इन दोनों के बीच में जो लफड़ा है ये सही है या नहीं। सही है। मेरा नाम शिवाजी है, शिवाजी नागरे। नाम तो सुना होगा। तुमको जगह कैसे पता? भोसले, आज की तारीख में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अरे साफ साफ बोलो ना। हेलो, तू तेरे पिल्लू को जो पैसा देने से मना किया, मैं दुगना कर दिया। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देती है भोसले, किसी को भी। होशियारी भी शिवाजी साहब। भोसले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही है, सरकार। बैठना। सुन, सरकार हमेशा कहते हैं कि ताकत चुनने से होती है, खिलाफ होने से नहीं। मैं जानता हूं आज के अंडरवर्ल्ड में तू बेस्ट है, तेरी मेरी ताकत मिलनी चाहिए। सरकार के राज और बिजनेस को खत्म करने के मिशन में मैं यहां तेरे पास पार्टनरशिप करने आया हूं। एक शर्त है। मुझे पता था तेरी यही शर्त होगी। बिल्लू से जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। अब अपना काम शुरू करें। सरकार, वो बोल रहा है कि मुंबई का शेर अब वो है। शेर की खाल पहनकर कुत्ता शेर नहीं बन जाता।